बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनडीएस चश्मा की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने सिलसिला शुरू किया था क्लास 9 इंग्लिश बुक का हल करने का। चंद वजूहात के बिना पर कुछ दिनों के लिए ये सिलसिला मुनक़ते हो चुका था, लेकिन उसी सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं काफ़ी दोस्तों के इसरार पर। आज यूनिट नंबर 7 अपलोड कर लेते हैं। यूनिट नंबर 7 में दो पार्ट्स होंगे। ये पार्ट नंबर 1 है और इसके बाद जो पार्ट है वो इंतहाई अहम है। उस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एडवर्बियल प्रेज और एडवर्बियल क्लाजेस को। उन दोनों में डिफरेंस जानेंगे, उसकी पहचान जानेंगे कि उसको हम कैसे पहचानेंगे एक सेंटेंस में। इंतहाई अहम पार्ट होगा क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज की वीडियो सिंपल वीडियो जस्ट एडवर्ब के बारे में है, तो देखें वीडियो को। ये पेपर है हमारे पास, इस ग्रामर पार्ट कॉल कर लेते हैं एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल्स। एडवर्बियल प्रेजेस होते हैं और एडवर्बियल क्लॉजेस, तो इन दोनों को दूसरी वीडियो में हम करेंगे। यहाँ पर एडवर्ब की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुके हैं और स्पेशली एडजेक्टिव के ऑर्डर के बारे में अच्छी तरह से जान ले दोस्तों। एडजेक्टिव के ऑर्डर्स यानी एक सेंटेंस में जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाएं तो उस किस एडजेक्टिव को आपने पहले इस्तेमाल करना है और किस को बाद में, ठीक है। इस चीज़ को अच्छी तरह से आप याद रखें। आज एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में वो लफ्ज़ होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब को आप जानते हैं, द एक्शन वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है, ठीक है। उस वर्ब को मॉडिफाई करना यानी उसकी मजीद वजाहत करना, उसको स्पेसिफाई करना, उसको मॉडिफाई करना एडवर्ब्स कहलाते हैं। एडवर्ब न सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, बाज़ ये एडजेक्टिव को और एडवर्ब्स को भी, एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। यहां पर देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्सेस, द सेम एडवर्ब कैन बी यूज मोर देन वंस। ये तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो ईजी है। ये एडवर्ब दिए गए ओकेजनली, समटाइम्स, यूजुअली, रेयरली, वंस, वेरी, नेवर, मोस्टली, ऑफन, ऑलवेज। तो इसको हमने इस खाली जगहों में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है आई गो टू बेड एट 10 o'clock। अब इसको पहले उर्दू में ट्रांसलेट क्या करें, मैं 10 बजे सोता हूँ। तो हमें उमूमन, मैं उमूमन 10 बजे सोता हूँ। इसमें और भी आ सकता है, आई नेवर गो टू बेड, नेवर भी हो सकता है, लेकिन द मोस्ट बेहतरीन इसमें यूजुअली है। आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock। दो नंबर देखिए, आई हैव बीन टू द चाइना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कि मैं कभी भी चाइना नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर बीन टू चाइना, आई हैव नेवर बीन टू चाइना, यहाँ पर नेवर लगेगा। तीन नंबर, आई हैव बीन टू मर्दान जस्ट, तो यहाँ भी एक, मैं मर्दान सिर्फ एक दफा गया हूँ, जस्ट वंस लगेगा यहाँ पर, जस्ट वंस। इधर चार नंबर देखिए, आई टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड, सोने से पहले मैं नहाता हूँ, शावर लेता हूँ, टेक बात करता हूँ, तो यहाँ पर कैसा आएगा, अक्सर, मैं अक्सर इस तरह करता हूँ। आई मोस्टली टेक अ बाथ बिफोर, तो यहाँ पर मोस्टली लगेगा, चार नंबर में मोस्टली लगेगा। पांच नंबर में देखे, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन कराची, आई विजिट देम, मेरे वालिदैन जो है, दादा दादी जो ग्रैंड पेरेंट फादर है वो कराची में रहते हैं, मैं वहाँ कभी कभार जाता हूँ। आई विजिट देम ओकेजनली, ओकेजनली ऑप्शन ये लगेगा यहाँ पर। छः नंबर देखिए, माई फ्रेंड्स आर हेल्पफुल, ये तो वेरी इजी है, माई फ्रेंड्स
आर वेरी हेल्पफुल, यहां पर वेरी लगेगा। सेवन नंबर, आई वॉज इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस, यहां भी वेरी लगेगा, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस। और आठ नंबर देखिए, आई गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, आई गो फॉर अ वॉक, मैं हमेशा वहां जाता हूं, तो आई ऑलवेज लगेगा, ऑलवेज। और नौ नंबर देखिए, आई रीड इंग्लिश नावल्स, आई रीड इंग्लिश नावल्स मोस्टली, समटाइम्स भी आ सकता है, रेयर भी आ सकता है, मोस्टली भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली बेहतर लगेगा। और आखिरी देखिए, दस नंबर में दे गो आउट, तो दे अफन गो आउट, दे अफन गो आउट, ये लगेगा यहाँ पर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके बाद जो वीडियो है उसको देखना मत भूलिएगा, उसमें एडवर्बियल प्रेजेज और एडवर्बियल क्लॉजेज, पहले इनको डिफरेंस को हम जानेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, फिर उसकी पहचान करेंगे कि इसको हम पहचानेंगे कैसे और इसकी ज़रूरत क्या है, और एडवर्ब, एडवर्बियल प्लेस और क्लास, इन तीनों में फ़र्क क्या है। तो आज की वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।